हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर 10th। कैसे हो आप सभी? आई होप सब सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आप सभी की डिमांड पर लेके आ गए हो मैं आप सभी के लिए आज के आपकी क्लास 10th का मैथ्स का सेट 30/4/2 के डिटेल्ड आंसर की। तो जल्दी से देखते हैं इसके सॉल्यूशंस, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट ऑल टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आगे आने वाले सभी आंसर की आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए जल्दी से शुरू करके देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेक्शन ए में कह रहा है कि इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ साइन थीटा बाई 2 इज। देखिए, साइन थीटा 1 कब होता है? जब एंगल 90 डिग्री होता है, मतलब थीटा इज 90 डिग्री। तो यानी साइन थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा? साइन 45 डिग्री। और हाफ ऑफ साइन 45 इज, साइन 45 क्या होता है? 1/√2। तो हाफ ऑफ 1/√2 इज 1/2√2। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिसफेयर टू द स्क्वेयर ऑफ इट्स रेडियस इज। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है? 4πr² एंड स्क्वेयर ऑफ इट्स रेडियस क्या होता है? r². तो यानी 4πr² डिवाइडेड बाई r² दैट इज 4π/1। यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नहीं, एक्चुअली यहाँ पे एक गड़बड़ है। यहाँ पे सॉलिड स्फीयर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सॉलिड हेमिसफेयर दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे सॉलिड हेमिसफेयर दिया हुआ है, हेमिसफेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr² + πr² यानी 3πr² करेक्ट। सो 3πr² / r² विल बी 3π/1। सो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर QR इज अ कॉमन टेंजेंट टू द टू गिवन सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली एट ए। द टेंजेंट एट ए मीट्स QR एट P। इफ AP इज 4.2 सेंटीमीटर्स देन द लेंथ ऑफ QR इज। देखिए, अगर AP 4.2 है तो वो रेडियस के बराबर है और मिड पॉइंट है P, तो QP भी उतना ही होगा। तो यानी QR कितना हो जाएगा? डबल द AP, यानी 2 × 4.2। तो यानी कितना हो जाएगा? 8.4 सेंटीमीटर्स। तो यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, बी इज 60 डिग्री, AP आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर्स, ओके। देन द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, देखिए सबसे पहले तो एंगल निकाल लो। 90 + 90 + 60 कितना होता है? 90 + 90 + 6। देखिए यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर लगेगा, ठीक है। तो 90 + 90 + 60 विल बी इक्वल टू 240 एंड 360 - 240 विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। तो एंगल हमें पता लगे 120 डिग्री। अब एरिया कैसे निकालोगे? थीटा अपॉन 360 × πr². तो यानी 120 / 360 कितना हो जाता है आपका? 0.33 समथिंग। खैर, आपको फ्रैक्शन में रखना है। सो 120 / 360 विल बी 1/3 एंड 1/3 × πr². सो r² विल बी 9, यानी 3π² आ जाएगा आपका आंसर। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ द मीन ऑफ 6 7 p 8 q 14 इज 9। तो आपको p + q की वैल्यू निकालनी है, सबको ऐड करो। 6 + 7 + p + 8, ठीक है, + q + 14, तो ये आ जाएगा p + q + 35 एंड इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 9 होगा। तो 6 × 9 = 54, ठीक है। और 54 - 35 कितना हो जाएगा? 19, यानी p + q = 19। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एट सम टाइम ऑफ द डे द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट। मतलब अगर हम एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनाएं और दोनों टावर और उसकी शैडो सेम हो रही है, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ओनली वेन द अदर टू एंगल्स आर 45 डिग्रीज। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल देन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज। देखिए, अगर एक आर्क 90 डिग्री बना रही है, मतलब वो क्वार्टर आर्क होएगी, मतलब वो क्या होएगी? 2πr/4, यानी πr/2 होगा वो, और πr/2 होगा और सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr। सो πr/2 / 2πr विल बी 1/4, यानी 1:4। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, इफ ax + by = a² - b² एंड bx + ay = 0 देन द वैल्यू ऑफ x + y इज। ये भी बहुत ईजी है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा ax + bx + ay + by = a² - b² तो आप कॉमन लीजिए a(x + y) + b(x + y), x + y फिर कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा? x + y (a + b) = a² - b², a + b को नीचे ले जाओ और a² - b² को खोल दो, a + b (a - b), तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, करेक्ट। तो आपके पास बचेगा क्या? a - b। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर AB एंड AC आर टेंजेंट्स, ओके। इफ एंगल ABC इज 42 डिग्रीज देन द एंगल BAC इज, देखिए यहाँ पे 42 होगा तो एंगल ACB भी 42 हो जाएगा, करेक्ट। तो 42 + 42 विल बी हाउ मच?
42 + 42 विल बी 84 एंड 180 - 84 विल बी 96. सो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2x + c = 0 इज 16, देन द वैल्यू ऑफ सी इज, देखिए ये भी निकालना बहुत ईजी है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाइए, b² - 4ac, करेक्ट. तो जब आप ये लगाओगे तो 4 - 4 × 3 × c = 16, यानी -12/12 = c, तो c कितना आ जाएगा -1. सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ऑफ ए बी सी डी हूज 3 वर्टिसेस आपको गिवन है. अच्छा, चौथा निकालना है. ए बी सी डी को पहले लाइन वाइज लिखो, ए बी सी डी चारों के कोऑर्डिनेट्स लिखो, और जिसका नहीं पता एक्स कॉमा वाई कर दो. वी नो दैट द डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, तो यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज़ होने वाला है, उससे हमें सेंटर पता लग जाएगा जहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है, और फिर वो जो मिड पॉइंट निकलेगा, मैं आपको बता भी देता हूँ मिड पॉइंट कितना निकलेगा, 3.3. तो वो 3.3, 6.7 और x.y आप निकाल लोगे मिड पॉइंट फार्मूला से. तो कैसे करोगे, 6 + x/2 = 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, एंड y + 7/2 = 3, तो y की वैल्यू -1 आ जाएगा. तो 0, -1, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, 2 डाइस आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज, देखिए टोटल 36 आउटकम्स होंगे, और उसके अंदर फेवरेबल क्या होगा, 1.1, 3.1, 5.1, सिमिलरली 1.3, 3.3, 5.3, एंड देन 1.5, 3.5, 5.5. तो यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/36, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन्स इज दिस, द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन कैन बी, ये भी बहुत ईजी है यार, जब पैरेलल होती हैं चीज़ें तो फिर जो इक्वेशन कंडीशन लगती है वो क्या होता है, a1/b1 = c1/e1 but not equal to b1/b2 but not equal to c1/c2, बात समझ में आई, इक्वेशन लग जाती है. सो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक ही ऑप्शन आएगा आपके पास, d - 15x + 9y = 5, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा इसका. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू बी सी. ठीक है, इफ ए डी इक्वल टू 4 cm, ए बी इक्वल टू 9 cm एंड ए सी इक्वल टू 13.5 cm, देन द लेंथ ऑफ ई सी इज, ये भी निकालना बहुत ईजी है. कैसे करोगे ये वाला, सबसे पहले तो आप इसके अंदर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाओगे, AD/AB = AE/AC, करेक्ट, यानी 4/9 = AE/13.5, तो AE कितना आ जाएगा, 6 cm, फिर AC निकाल सकते हो, EC विल बी AC - AE, यानी 13.5 - 6 विच इज इक्वल टू 7.5 cm, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मोबाइल लेटर इज सिलेक्टेड, ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड लेटर इज अ वोवल, सो वोवल्स AE, IOU होते हैं, सो OIE, 3/1, 2, 3, 4, 5, 6, 3/6, तो उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या लिखोगे, हाफ, सो 1/2 इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन. नेक्स्ट, इफ 3825 = 3x·5y·17z, तो सबसे पहले तो आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 3² × 5² × 17, ठीक है, उसके बाद आपको x + y - 2z की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू 1 हो जाएगी, और x की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 2 हो जाएगी, z की वैल्यू 1 हो जाएगी, सो 2 + 2 - 2 = 2, सो 2 इज द राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल वन ऑफ हूज रूट्स यानी जीरोज इज 2 + √5 एंड द सम ऑफ हूज जीरोज इज 4 इज, तो आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है ना, ये भी बहुत ईजी है. कैसे करोगे, सबसे पहले तो आपको दोनों चीज़ें देखनी पड़ेगी, सम ऑफ जीरोस एक तो 4 आना चाहिए, और ऑब्वियसली उसका एक जो जीरो होना चाहिए दैट इज़ 2 + √5. तो यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन है जिसमें सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, मेरे पास 4 आ रहा है, एक तो x²-4x-1 और x²-4x+1, इसके अंदर सिर्फ एक आंसर है सी ऑप्शन, x²-4x+1, बिकॉज जब आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से -b + √d/2a लगाओगे तभी उनमें से एक रूट 2 + √5 आएगा, दैट यू हैव टू कैलकुलेट. ओके, नेक्स्ट, 18th, इफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन APR 3p - 1, 3p + 5, 5p + 1 रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ p इज, ये भी बहुत ईजी है यार, आप डिफरेंसेस लीजिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी 3p + 5 - 3p - 1 शुड बी इक्वल टू 5p + 1 - 3p + 5, ठीक है, यानी वो -3p - 5 हो जाएगा, तो फाइनली जो आपका p की वैल्यू आएगी दैट इज 5, सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट,
असर्शन रीजन यहाँ पे आ गया है। असर्शन क्या कह रहा है, इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर्स देन इट्स रेडियस इज 28 सेंटीमीटर्स, ये बिल्कुल सही बात है। रीजन कह रहा है सर्कमफेरेंस इज 2πr, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यानी असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1, ये बिल्कुल सही बात है। द रेशियो इन विच द पॉइंट जॉइनिंग पॉइंट -3, k डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -4, 4 एंड -2, 3 इज 1:2। ये आपको कैलकुलेट करके देखना था लैम्डा लेकर या कोई भी वेरिएबल k को कैलकुलेट करना था आपको। तो यहाँ पे रेशियो 1:2 नहीं आती है, 2:1 आती है, तो ये रीज़न गलत है, यानी असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स। विद दिस वी कंप्लीट द सेक्शन, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना एंड कैसा रहा आपका आज का पेपर कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना एंड जल्दी से सब्सक्राइब करने कर लेना क्योंकि आगे आने वाले आंसर की आपकी मिस ना हो जाए इसलिए। एंड 11th 12th में क्या लेने वाले वो भी जल्दी से इस चैनल पे बता देना, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एज वेल। आई एम सून प्लानिंग टू कवर 11th एंड 12th का भी साइंस, सो ज़रूर जुड़े रहें जो 11th 12th में साइंस लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।